ये जिंदगी एक रंगमंच है और जिसके निर्देशक का हम में से किसी को भी पता नहीं है। इस रंगमंच पर हर लम्हा एक नया नाटक खेला जाता है और हम सब मजबूर हो जाते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए। इस रंगमंच पर हर पात्र एक दूसरे से एक रिश्ते की डोर से बंधा हुआ है। ये रिश्ते हैं प्यार के, ये रिश्ते हैं विश्वास के और सहयोग के। रिश्तों की नींव इन्हीं तीन तत्वों पर पड़ी हुई है और अगर ये इनमें से एक भी कमजोर पड़ जाता है, अगर एक भी तत्व इनमें से कमजोर पड़ जाता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और रिश्तों की दीवार ढहने में समय नहीं लगता। कुछ लोग इस महत्व को नहीं समझते, वे अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाते, जिससे उन्हें रुसवाई के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। सारे रिश्तों में सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण रिश्ता पति पत्नी का होता है। जी हाँ मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता होता है। ये सबसे प्यारा रिश्ता भी है क्योंकि ये रिश्ता मृत्यु पर्यंत तक बना रहता है और अगर इस रिश्ते में धैर्य और प्यार की कमी आ जाए तो टूटते देर नहीं लगती, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं। ये बनता नहीं है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ये हमें मिलता नहीं है जन्म के साथ, ये हमें बनाना पड़ता है। हमारे रिश्ते बना दिए जाते हैं और हमें उन रिश्तों को कैसे निभाना है, किस तरीके से हमें इन्हें आगे ले जाना है, ये हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी जिससे मुझे लगता है कि इस प्यार के रिश्तों को बनाकर रखना चाहिए। ये रिश्तों का बिखराव उसी समय शुरू हो गया था जिस समय ये बने, लगभग 2 साल पहले की बात है। रीना व संजय की 20 नवंबर को हिंदी धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार एक सूत्र में बांध दिया गया। दोनों की आंखों में सुंदर भविष्य के सपने थे, दोनों ही प्यार के सागर में एक दूसरे का हाथ थामे तैर रहे थे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये रखती तो है सच्चाई से, इसका रिलेशन है, मगर ये इसमें जो पात्र हैं, इसमें जो भी घटना है वो सारी उसमें कुछ मैंने अपना उसमें एड ऑन किया हुआ है। वे दुनियादारी से बेखबर थे, दोनों ही जिंदगी की सच्चाई से बेखबर थे और ना ही उन्हें उस कड़वी सच्चाई का सामना करने की उनमें समझदारी थी, क्योंकि वो बहुत छोटे थे उन सब के लिए। वे तो यही सोचते थे कि यूँ ही एक दूसरे को प्यार करते करते ज़िंदगी का सफ़र तय हो जाएगा। भूल रहे थे कि पति पत्नी के अलावा इस संसार में और भी रिश्ते होते हैं जिनका बहन करना होता है। अब चूंकि रीना बहू बनी है तो जाहिर है उसकी सास भी होंगी, नंद भी होंगे, देवर भी और ससुर भी, किंतु रीना बहू बनने से पहले एक भोली सी बच्ची हुआ करती थी जो अपने कॉलेज की और किताबों और दोस्तों इन्हीं सब में खोई रहती थी। उसकी यही सब जिंदगी थी। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसे कभी ससुराल जाना होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा। बहू बनने के बाद वह एक अबोध बालक की तरह हर शख्स को जानने की कोशिश करती। उसे समझ ना आता कि वह उनके साथ किस तरह से व्यवहार या बर्ताव करे जिससे वे एक सब खुश रहें, मगर फिर भी घर के सब लोग उससे नाखुश थे। कोई भी उससे खुश नहीं रहता था क्योंकि कभी ना कभी उसके काम में कमी उन्हें नज़र आने लगती थी। सास उससे ऐसे व्यवहार की आशा रखती जो एक बहू का होता है, किंतु क्या रीना ने ग्रेजुएशन जो है एक आदर्श बहू कैसे बना जाए इस सब्जेक्ट में किया था? नहीं ना। फिर कैसे समझ सकती थी वो इन रिश्तों को, कैसे संभाल सकती थी इन नए रिश्तों को? सास उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो बस एक भारतीय सास का कर्तव्य निभा रही थी जिसका काम है बहू से अपनी जैसा, उसे लगता है कि मैं अगर इतनी होशियार हूँ तो मेरी बहू भी इतनी होशियार होनी चाहिए, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है।
मगर वो ये क्यों भूल जाती है कि जब उसने शादी के बाद अपने 25 या 30 साल इस जीवन को जिया है, तब जाकर वो आज सास बहू बनी है। उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, पर उस बहू के पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो कॉलेज की एक ऐसी चुलबुली लड़की के किरदार में थी अभी तक, जो सिर्फ भविष्य के सपने देख रही थी अपने जीवन साथी के साथ। ऐसे में उसे सास के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। माँ ना बने सास रहे, क्योंकि बहू को बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है अगर उसे बहू की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उसको बेटी बनने का कोई शौक नहीं होता, वो बहू बन के ही खुश होती। बेटी तो वो अपने घर की होती है ना, उसे अपने सारे शौक पूरे करने के, अपने सारा लाड़ दुलार, अपनी सारी जिद पूरा करने के लिए घर में माँ होती हैं, पापा होते हैं, भाई होता है, बहन होती है। ससुराल में उसे चाहिए होती है रिस्पेक्ट, ससुराल में उसे चाहिए होता है अपना एक दर्जा, एक स्वाभिमान का दर्जा, क्योंकि आज जो बहू है कल वो माँ भी बनेगी। तो उसे एक अधिकार, एक गौरव चाहिए होता है, अपने परिवार में एक हिस्सा चाहिए होता है, क्योंकि आज जो बहू है ना, कल वो भी एक सास में कन्वर्ट होगी, और एक पीढ़ी का अपनी सास से जो सीखेगी वो अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेगी। तो वो क्या ट्रांसफ़र करेगी अपनी अगली पीढ़ी को अगर उसे ये सब मिलेगा? तो आगे बढ़ते हैं। तो सास उसे उसकी बुराइयां निकालती, उसको ये नहीं बताती कि आपको कैसे ठीक करना है चीज़ों को, पर बुराइयां निकालती, ताने भी मारती। और एक दिन उसने अपने पति के साथ अपना एक घर बसा लिया। समय बीता और रीना की गोद में एक प्यार का अंकुर फूटा, जिसका नाम उन्होंने नूपुर रखा। जिसका उस कुछ दिन तो सब ठीक चला, किंतु लोगों ने से उनकी खुशी देखी ना कही। संजय के घर वाले उसे उकसाते और रीना के घर वाले उसकी, वो एक दूसरे को अलग हो जाएं इस बात पर उसको भी उकसाते। तो इस तरह से दोनों परिवार कोशिश करते कि दोनों बच्चे अलग हो जाएं, बजाय इसके कि दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, वो उनको अलग करने की कोशिश करते। अब इस तरह समय बीतता गया, आपस में झगड़े, और वे दोनों नासमझ बच्चों की तरह आपस में झगड़ते भी, और वे भूल जाते कि दोनों एक ऐसे प्यारे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो कि दो लोगों को सहारा देता है, सपोर्ट देता है। अगर ये रिश्ता ना बने तो शायद लाइफ आपकी किस मोड़ पे लेकर जाएगी, किस तरफ लेकर जाएगी आपको नहीं पता, क्योंकि गृहस्थी की जो नींव होती है वो शादी के बाद पड़ती है। पति पत्नी एक रिश्ते में बंधते हैं, फिर एक परिवार बनाते हैं और ग्रो करता है वो परिवार। वो भूल गए थे कि वो किस खूबसूरत रिश्ते में उनको बांधा गया है, लेकिन उनमें इतना धैर्य नहीं था कि वे एक दूसरे को समझ सकते। अंततः दोनों अलग हो गए और आज नौबत तलाक की आ गई है। काश उन दोनों ने उन रिश्तों को समझा होता, उसके महत्व को समझा होता, तो आज वो अलग नहीं होते, आज वो तो अलग जिंदगियां नहीं जी रहे होते, जबकि उन दोनों के बीच में इतना प्यार था। रीना का और उसकी बेटी का अपने पति से अलग हो जाने के बाद एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित हुआ जिसको पता ही नहीं कि उसकी राह क्या होगी। और आज के टाइम में जो युवा हैं, वो शायद हमारे भारतीय सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो एक विवाह की जो एक नींव रखी गई है उसको नहीं समझ पाते हैं, और वो समझते हैं शायद अलग होने में या अपने ईगो को दिखाने में ही शायद बड़प्पन है, क्योंकि हम तो 1 लाख सैलरी पर मंथ पाते हैं या 50,000 पाते हैं। सो वॉट अगर आप इतना कमाते हैं तो आपको असली खुशी कहाँ मिलेगी? पत्नी का एक पति के आने का इंतज़ार करना और अपने पति का जो है अपनी पत्नी को खुश देखना, अपने बच्चों को आंगन में खेलते देखना, उनको बड़े होते देखना, ये सारे सपने तो ख़त्म हो जाते हैं ना। तो हमें ये समझना चाहिए, आज के दौर में ये चीज़ आम हो गई है, तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
अपने भारतीय संस्कृति में जो संस्कार हैं वो अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, उनकी सोच को स्ट्रांग बनाएं, क्लियर उनकी सोच को क्लियर होने में उनकी हेल्प करें, तभी जो एक हमारा विवाह का जो एक तैयार किया गया है एक बंधन, एक खूबसूरत बंधन जो हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था उसको लेकर वो आगे बढ़ पाएंगे, वरना बिखर जाएगा ये समाज भी और बिखर जाएगा ये खूबसूरत बंधन भी। थैंक यू सो मच।